is a question given to us, and the options are something like to be given all the first term. Which option is it? 2 raised to 99, 2 raised minus 2 raised to 99, and so on. This one like that. 3 raised to 99, minus 3 raised to 99. Tell me the question. So here we can find this value. As you know that, we'll tell you that. कि जब भी रेड वन में पावर में ज्यादा नंबर रहेगा मोर देन वन मोर देन टू तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे एक तो पोलर फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म. सो व्हाई व्हाई यूजिंग पोलर फॉर्म फर्स्ट यू फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू इज देयर. पहले इसका पोलर फॉर्म निकालो. बोलो जेड वन का पोलर फॉर्म क्या रहेगा. जेड वन का पोलर फॉर्म रहेगा मॉडुलस ऑफ जेड वन एंड कॉस ऑफ argument of z1 plus I times sine of argument of z1 is there. Okay, तो इसका argument क्या है? सबसे पहले mod z निकालो इसका. 1 plus root 3, 1 का square 1, root 3 का square 3, 3 plus 1 4, मतलब कितना है बाहर 2. Right? आया ना सबके इसका mod z देखो. mod z1, real part का square, 1 का square 1. रूट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री प्लस वन फोर बाहर निकालेंगे तो टू. तो मॉड जेड वन इज इक्वल टू टू. कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इसका आर्ग्यूमेंट बोलो क्या है. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन एंगल से देखेंगे अपन. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इज समथिंग लाइक टू बी व्हाट इज द फॉर्मूला. बोथ आर पॉजिटिव इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका आर्ग्यूमेंट कितना मिला. टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स इज देयर. तो टैन इनवर्स ऑफ वाई मतलब रूट थ्री एक्स मतलब वन. So it is nothing but root 3 by 1. And we know that root 3 by 1 is nothing but it is pi by 3 is there. So ye ho gaya. 2 times cos of pi by 3 plus I times sin of pi by 3 is there. So it is the polar form of first complex number. Ye ho gaya. Pahle iska polar form z1. Then we are interested to find out z2 here. Z2 का पोलर फॉर्म निकालेंगे. जरा डायरेक्ट निकालो Z2 का पोलर फॉर्म. Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 एंड देन अगेन cos ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 डायरेक्ट करेंगे. जरा इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करो. व्हाट इज द फार्मूला. sis cos plus sin ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज देयर. तो मॉडुलस ऑफ Z2 कितना रहेगा. वही सेम 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 मतलब 1 प्लस 3 अगेन दिस 2 इज देयर. और यहां पर इसका आर्ग्यूमेंट निकालो. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना रहेगा. ऐसे देखो इसका आर्ग्यूमेंट रहेगा से Z2 का निकालेंगे. देखो साइड में निकाल के बोला था ये पहले Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालने का है. तो 1 और माइनस 3 1 माइनस रूट 3 मींस इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ फर्क क्या रहेगा. माइनस टेन वर्स ऑफ वाई बाई एक्स माइनस टेन वर्स ऑफ रूट 3 मतलब कितना माइनस फाइव बाई 3. सो ये अपने को क्या मिलेगा. इसका पोलर फॉर्म क्या मिलेगा Z2 का. 2 इंटू कॉस ऑफ What happens now here? Minus pi by 3 and plus I times sine of minus pi by 3 is there. Okay. It is the polar form of Z2 is there. Okay. Dono samajh mein aaya polar form. Sabse pehle Z1 ka polar form nikale. It is equal to 2 times cos of pi by 3 plus I times sine pi by 3. Iska polar form modulus of Z2. Again, cos of minus pi by 3 plus I times sine of minus pi by 3 is there. Now, जब भी पावर पे ज्यादा नंबर रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म से. तो इसलिए सबसे पहले अपने Z1 का पोलर फॉर्म निकाले और उसके बाद Z2 का पोलर फॉर्म निकाले क्यों. तो पावर में कितना है 100 है. ये भी सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को कौन से टाइप से सॉल्व करेंगे. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जब भी पावर में ज्यादा नंबर रहेगा तो हम उसे पोलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे. अब देखो उसका पोलर फॉर्म क्या हो जाता. एक्चुअल हमें निकालना है Z1 अगर से मालूम है तो अपन क्या निकाल सकते हैं Z1 का पावर 100 और अगर से Z2 मालूम है तो Z2 का पावर 100 कैसे निकालेंगे देखो. अब यहाँ पे Z1 का पावर 100 किसी को अगर से निकालना है तो मॉडुलस ऑफ Z1 का पावर 100 मतलब ये हो गया 2 रेस टू 100 एंड इज नथिंग बट इसको शॉर्ट में लिखता हूं देखो. sis मतलब क्या cos plus I sin. अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना रहेगा देखो. ये अगर से Z1 में अगर से एक पाई बाई थ्री है तो ऐसा अपन 100 टाइम्स करेंगे तो अपन एक पाई बाई थ्री दो पाई बाई थ्री तीन पाई बाई थ्री ऐसा अपने को कितना मिलेगा 100 टाइम्स क्या मिलेगा पाई बाई थ्री. सो Z1 रेस्ट टू 100 इज नथिंग बट sis
this means cos of cos plus I times sin, and argument is nothing but 100 pi by 3 is there. Okay, I have solved it. उसी तरीके से तुम z2 का निकाल सकते हैं. तो z2 का पावर 100, ये देखो z2 का पावर 100 मतलब सेम 2 raised to 100 into sis, sis मतलब cos plus I times sin, and is nothing but minus pi by 3 मतलब कितने बार minus 100 times pi by minus pi by 3, 100 times minus pi by 3 इसका मतलब ऐसा है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, z1 raised to 100 plus z2 raised to 100 निकालेंगे, फिर उसके बाद z1 plus z2, फिर उसके उसमें रख देंगे अपन. तो इसमें देखो कितना सिंपल हो जाएगा. सबसे पहले हम z1 raised to 100 plus z2 raised to 100 निकालेंगे. So what happens now, see now. अभी कैसे है ये क्वेश्चन मेंस में आने की वजह से चार मार्क रहता, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए. और एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन तुमको जरा फास्ट सॉल्व होंगे. अभी समझाते समय थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब तुम घर पे खुद से करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद तो टाइम बहुत कम लगेगा. ठीक है, तो अब देखो z1 raised to 100 दोनों का एडिशन, z1 raised to 100 प्लस z2 raised to 100, दोनों में कॉमन क्या है, 2 raised to 100, 2 raised to 100 कॉमन. ठीक है, 2 raised to 100, 2 raised to 100 कॉमन. अब ब्रैकेट में क्या है, sis of 100 pi by 3 का मतलब ऐसा है क्या, cos 100 pi by 3 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 100 पाई बाय 3, राइट है, प्लस प्लस उसके बाद ये इसकी सीस ऑफ माइनस 100 पाई बाय 3 इसके एडिशन, तो z2 भी जाएगी z2 की पोजीशन, सो इट इज दिस प्लस cos ऑफ माइनस 100 पाई बाय 3 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ माइनस 100 पाई बाय 3. ओके, now what happens now, it is equal to 2 raised to 100 cos of 100 pi by 3 plus I times sine of 100 pi by 3. And here see now, kal ki property kaise yaad hai tumko, to kal ki kya bataya tha property, cos of minus theta, cos ke angle mein negative angle hai, to kya milega, ye plus plus cos of 100 pi by 3 ये आ गया. और सेम कली की प्रॉपर्टी sin ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस sin थीटा, इस वजह से कितना हो गया माइनस I टाइम्स sin ऑफ 100 pi by 3. सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्लस का sin I sin 100 pi by 3, माइनस का I sin 100 pi by 3 कैंसिल, तो क्या बचा cos ऑफ 100 pi by 3 plus cos ऑफ 100 pi by 3. सो इट गिव्स अस, इट इज नथिंग बट 2 raised to 100 into 2 cos of 100 pi by 3. I hope you got that one. ज्यादा कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल. तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर निकाले, z1 raised to 100 और z2 raised to 100. अब हम क्या निकालेंगे, z1 plus z2. फिर उसके बाद इसमें रख के इसको हम सॉल्व करेंगे. वेरी सिंपल वन, ये समझ में आया, ये प्रॉपर्टी क्या थी, cos of minus theta is nothing but प्लस कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस. इस बार चलो अब निकालेंगे z1 plus z2. तो z1 plus z2 में अभी यहां तो नहीं है, मगर आपको z1 plus z2 मालूम है, उसमें क्या था कि 2 raised to 100 है, दो के साथ से 2, दोनों में 2 कॉमन, राइट है, z1 और z2 में 2 कॉमन. अब सेम इससे क्या, यहाँ पे 100 100 है, तो वहां पे कितना है तुम्हारा, सिर्फ 5 by 3 है, 2 टाइम्स cos ऑफ pi by 3 प्लस I टाइम्स sin ऑफ pi by 3 प्लस अगेन सेम वही आएगा, cos ऑफ माइनस pi by 3 प्लस I टाइम्स sin ऑफ माइनस pi by 3, तुम्हारा z1 प्लस z2 वही कंसेप्ट, cos ऑफ माइनस pi by 3 इट गिव्स अस द प्लस cos pi by 3, और sin ऑफ माइनस pi by 3 इट गिव्स अस द माइनस sin pi by 3. डायरेक्ट कर लिया थोड़ा, सेम ये और ये क्या होगा कैंसिल, और z1 प्लस z2 कितना मिल गया तुमको बोलो, 2 cos, ये देखो cos pi by 3 प्लस cos pi by 3, 2 cos pi by 3, तो 2 into 2 cos of pi by 3. यहां तक कोई तकलीफ, इतना निकाला सकते ना, एकदम व्यवस्थित, थोड़ा मोटा क्वेश्चन है, नो डाउट, पर महत्व सा है. तो सबसे पहले अपन ने z1 raised to 100 और z2 raised to 100 निकाले, और उसके बाद डिनोमिनेटर में z1 plus z2 निकाले. अब ये दोनों वैल्यूज हम इसमें रख के इसको दोनों के क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, दिस प्रॉब्लम. सो वेरी सिंपल वन, सिर्फ यहां पे क्या इंपॉर्टेंट था, नेगेटिव एंगल इंपॉर्टेंट था,
cos of minus theta plus cos theta and sin of minus theta is nothing but minus sin theta is there. चलो आगे देखो सब यहाँ हम इसका लिखेंगे. देखो ये दोनों समझ में आ गया अच्छे से. इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखने के बाद क्या आंसर आएगा देखो. इसी अलाउ आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यूज देखो इसके पूरा मिटा देंगे अपन और अच्छे से करेंगे. देखो तो देखो z1 रेस्ट टू 100 z2 रेस्ट टू 100 डिवाइडेड बाय z1 प्लस z2 इज इक्वल टू कितना आ गए 2 रेस्ट टू 100 2 cos ऑफ 100 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 2 इनटू 2 cos ऑफ पाई बाय 3 तो ये 2 से 2 कैंसिल. ठीक है 2 से 2 कैंसिल. उसके बाद देखो जरा अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां करता है इसके बाद जरूर देखो ये 2 रेस्ट टू 200 है तो तुम सबको मालूम है ये 2 ऊपर चले गया तो कितना मिला देखो 2 रेस्ट टू 100 और 2 का पावर माइनस 1 ऊपर जाने के बाद. ठीक है अब यहां पे क्या बचा देखो cos ऑफ 100 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय cos ऑफ पाई बाय 3 इज देयर. एक्चुअली सबके रीजन में ये दोनों का बेस सेम है ना ये प्रॉपर्टी मालूम है ना 1 बाय 2 कैन बी डन एज 2 रेस्ट टू माइनस 1 इज देयर और 2 रेस्ट टू माइनस 1 कैन बी डन एज 1 बाय 2 इज देयर. सो यू कैन राइट हियर दिस 1 बाय 2 गोस टू न्यूमरेटर 2 रेस्ट टू 1 दोनों का बेस सेम 100 में से एक गया कितना बचा 2 रेस्ट टू 99 इज देयर. अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां से इंपॉर्टेंट है समझो यहां से कांसेप्ट. सिर्फ दो लाइन का आंसर है आप आके अभी ये तो दोनों का बेस सेम 100 में से एक गया तो कितना बचा 99. अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि cos ऑफ 100 पाई बाय 3 और नीचे है cos पाई बाय 3. अब इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना. तो ऑप्शन में cos पाई बाय 3 के कहीं नहीं है सिर्फ ऑप्शन में एक तो 2 रेस्ट टू 99 माइनस 2 रेस्ट टू 99 3 रेस्ट टू 99 और माइनस 3 रेस्ट टू 99 ऐसे ऑप्शन है. इसका मतलब यहां पे cos कहीं नहीं ऑप्शन में तो ये दोनों को अभी थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं. इसको अपन जरा खूबसूरत बनाएंगे फिर उसके बाद अपन उसको कैंसिल करेंगे. मतलब कैसा सीएम तो कैन बी राइट. तुमको अगर से अलग एंगल का कंसेप्ट मालूम है तो तुम इसको इजीली कैंसिल कर सकते. देखो अब अगर से किसी को मैंने ऐसा ही कहा तो किसी को तकलीफ है. देखो ये तो होगा तुम्हारा 2 रेस्ट टू 99 cos 100 पाई बाय 3 को सर मैं अगर से मैं ऐसे लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या. देखो 100 मतलब कितना 100 को तुम डायरेक्ट लिख सकते ऐसे लिखिए. देखो 33 पाई प्लस पाई बाय 3 अगर से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम जाएगा क्या. देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 3 9 3 3 9 99 पाई प्लस पाई का पाई मतलब यदि 100 पाई divided by 3 it is a very convenient for that one 100 pi by 3 can be written as 33 pi plus pi by 3 by using Allen angle. देखो 3 3 9 3 3 9 99 pi plus 8 pi 100 pi 100 pi divided by 3 so we can write here 100 pi by 3 is a 33 pi plus pi by 3 and similarly this remain as it is cos pi by 3 remain as it is. अब अगर से किसी को अलग एंगल का फॉर्मूला मालूम है तो अलग एंगल में मैंने बताया था तुम्हारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक ये कि एंगल में क्या है तो एंगल में कॉस के एंगल में क्या है पाई है तो कॉस के एंगल में पाई है तो 100% क्या एंगल कॉस थीटा के प्लेस में कितना है पाई बाई 3 तो ये कितना आ गया कॉस पाई बाई 3 आ गया. ठीक है चलो आगे कॉस के एंगल में पाई है cos के एंगल में 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 100 पाई कितने पाई रहने दो cos के एंगल में पाई है तो फिर से क्या आएगा cos by using the Allen angle. दूसरी बात थीटा के प्लेस में कितना है पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 रहेगा. अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा तो देखो 33 पाई मतलब ये यहां पे आ गया 1 पाई 2 पाई कितने भी पाई रहो मतलब ये यहां पे आया 33 पाई मतलब यहां पे आ गया है ना. ऐसा करते चक्कर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई यहां तक आके घूम घूम के कितना आ गया 33 पाई. नाउ इफ इट इज 33 पाई देन व्हाट हैपेंस नाउ हियर ये अगर से तुम्हारा 33 पाई है तो cos कहां जाएगा 33 पाई प्लस मतलब कहां पे गया आगे गया मतलब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे मतलब अपना जो है नंबर जो पॉइंट है यहां पे मतलब कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस cos कहां प्लस रहता पहला और चौथे क्वाड्रेंट में cos प्लस रहता
दूसरे और तीसरे में cos क्या रहेगा माइनस, तो वी कैन राइट हियर cos ऑफ 33 पाई प्लस पाई बाई 3 इज नथिंग बट माइनस cos पाई बाई 3। समझ में आया? देखो एक बार से नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बता रहा हूं क्या कांसेप्ट है। देखो राइट एंगल का यूज है बस इन बातें, दो बातें। सबसे पहले cos के एंगल में पाई है, मतलब कितना भी पाई रहने दो, 50 100 1 करोड़ पाई रहने दो, पाई है तो cos का cos। अगेन थीटा की जगह पे पाई बाय 3, सो इतने में नेगेटिव। अब रहा सॉल्व प्लस का माइनस का, तो 33 पाई मतलब कहां आएगा यहां पे, है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई से कितने तुम्हारे 33 पाई, है ना, 1 पाई यहां पे, 2 पाई यहां पे, 3 पाई यहां पे, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, मतलब ऑड नंबर यहां पे आएगा, ऑड नंबर यहां पे आएगा, तो 33 पाई कहां पे आएगा, दिस वन। तो 33 पाई प्लस बोल रहा हूं, पाई प्लस मतलब कहां पे, कि आगे, आगे मतलब कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है माइनस, सो इट इज द माइनस cos पाई बाय 3 डिवाइड बाय cos पाई बाय 3। तो अब ये cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 कैंसिल, ये माइनस यहां का शेष रह गया, सो आंसर तुम्हारा आया -299। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने बार वेरी वेरी डाल सकते हो, उतने बार वेरी वेरी डालो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया समझ में? तो आंसर कितना है तुम्हारा -299। कंसेप्ट ये था कि यहां पे ऑप्शन में 2:99 तो आ गया था, मगर ये कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस को अपन कैसे कैंसिल करें, बाय यूजिंग द राइट एंगल। तो सबसे पहले 100 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 33 पाई प्लस पाई बाय 3 करके देखो, 3 3 9 3 3 9 99 पाई प्लस 1 पाई 100 पाई डिवाइड बाय कितना, 3 का 3। उसके बाद राइट एंगल का कांसेप्ट यूज हुआ, ये राइट एंगल बोलता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर सिर्फ पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कितने भी पाई है, पाई अगर से है तो क्या मिलेगा cos का, क्या मिलेगा cos, थीटा की जगह पे यहां पे पाई बाय 3 है तो cos पाई बाय 3 है दिस। अब रहा सॉल्व प्लस का माइनस, तो 33 पाई यहां पे आ रहा, गिन के देखो तुम, गिन के देखो ना, देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, देखो ऑड नंबर मिले यहां पे, क्या मिला 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 27 29 31 33 और नंबर यहां पे आ रहा 33 पाई प्लस मतलब ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पे, और यहां पे ये क्या रहता cos माइनस रहता, इसलिए वी कैन राइट cos 33 पाई बाय प्लस इन द रिवर्स माइनस cos पाई बाय 3, सो दिस वन गेट्स कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी द -2:99। और इसलिए कि आज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो तुम इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, आई गॉट इट, समझ में आया सबके, तो अपन आगे जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझा हुआ तो यू कैन आस्क मी, बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें बोल सकते, नहीं तो अपन फिर आगे जाएंगे। यस, एनीबॉडी हैव डाउट इन दैट वन, किसी कोई प्रॉब्लम है, सर ये नहीं समझा, सर ये स्टेप बताओ, तो बोलो, नहीं तो अपन आगे जाएंगे फिर। यस, टेल मी नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, मराठी सांगतो, कोणाला काही जर अडचण असतील की सर आम्हाला ही स्टेप नाही कळाली, तुम्हाला तुम्ही कोणी सपना सांगा किंवा हे नाही कळाला सांगा, तर सांगायला तयार आहे मी, पण हा क्वेश्चन खूप महत्वाचा आहे, नसेल तर मग मी पुढे जातो, असेल तर मग सांगा। येस, टेल मी नाउ, मेसेज करा, मेसेज करता येईल तुम्हाला, यू कॅन मेसेज मी, ओके, मेसेज करू शकते तुम्ही इसमें। येस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, श्योर। तो अब अपना ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट, अब हम जाएंगे, एक बीट छोड़े वाला है मैंने, वो बीट आज अपन कंप्लीट करेंगे, पोलर फॉर्म का लास्ट बीट, और उसके बाद सिर्फ एक ही फॉर्म रहा यूलर फॉर्म, बाकी तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बोर्ड के सिलेबस में से कैंसिल है, तो अब इसको जेई में देखना पड़ेगा, अभी जेई का 2021 का न्यू सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो सीबीएसई में भी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैंसिल हुआ, और अर्जुन वो भी कैंसिल हुआ, कौन सा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी वजह से ये दो बीट, कौन सा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दो बीट अगर से जेई में कैंसिल हो गए तो ठीक है, और अगर से आते हैं तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी तक के जितना होगा बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर लिया अपन ने, तो ये डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर जितना पार्ट सीबीएसई में अपने सीबीएसई का था वो पूरे बिट कवर करें इसमें अपन ने, और बोर्ड के तो पहले अपने पहले कंप्लीट करने वाला है,
बोर्ड का पहले अलग से कंप्लीट करें और अब सीबीएसई के हिसाब से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ही कंप्लीट करें। अब सिर्फ इसमें तुमको वर्कशीट पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, वो अपन ग्रुप पे देंगे। तो अब सिर्फ एक ही बीट रहेगा यूलर फॉर्म, वो कंप्लीट करने के बाद हम स्टॉप करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये दो बीट बोर्ड में भी नहीं है और सीबीएसई में भी नहीं है। तो अभी जेई का न्यू सिलेबस तो अभी आया नहीं, जब सिलेबस आएगा इसमें अगर से है तो वो अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट बीट, इसमें कहीं पोलर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा थ्योरी पार्ट। देखो अभी तो मैंने यहाँ पे बीट लिया था, एक पोलर फॉर्म में जेड वन इज इक्वल टू आर वन कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन है सिस थीटा वन, और सेट टू एक कॉम्प्लेक्स सॉरी इसका पोलर फॉर्म आर टू सिस थीटा टू, ठीक है। देखो जरा कंसेप्चुअल है थेरी समझना पड़ेगा तुमको, ये थेरी का कैसा है उल्टा यूज होता, तो मैं थेरी समझा के दूंगा और क्वेश्चन में तुम उसको कैसा यूज करेंगे, हाउ टू यूज इन दैट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट वन। तो देखो तो कभी इसका z1 into z2 पूछ लिया, z1 into z2, तो क्या आएगा फॉर्मूला, r1 r2, r1 into r2, sis theta 1 sis theta 2, मतलब देखो ये एक्चुअल ऐसा है cos theta 1 plus i times theta, i times sin theta 1 into into cos theta 2 प्लस आई टाइम्स साइन थीटा टू, है ना, ये सबका मतलब है। सिस का मतलब कॉस प्लस साइन, सिस का मतलब कॉस प्लस साइन, तो कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इसका जेड वन का, और जेड टू का कॉस थीटा टू प्लस आई टाइम्स साइन थीटा टू। अब देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, आर वन आर टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आई टाइम्स cos theta 1 sin theta 2 plus i times sin theta 1 cos theta 2। अब देखो प्लस प्लस प्लस, बट i into i, i square की वैल्यू कितनी थी माइनस, तो मैं डायरेक्ट होगा माइनस sin theta 1 sin theta 2 sin theta 1 sin theta 2। अभी डायरेक्टली ये लेने की क्यों आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि अगर समझे तुमको डायरेक्ट बोल दिया कि z1 z2 रहता r1 r2 cos of थीटा 1 plus थीटा 2, cos of के जगह sis of थीटा 1 plus थीटा 2, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर ये क्या है थीटा 1 plus थीटा 2 क्या है। इसकी वजह से तुम्हारा क्वेश्चन आने से पहले ही बताना यहां पे कि z1 z2 जब r1 r2 sis थीटा 1 plus थीटा 2 आया कैसा, वो अपन डिराइव करें यहां पे। तो व्हाट इज मीन बाय दिस this one theta 1 plus theta 2 कैसा आया, है ना। तो एकदम सिंपल, अब यहां पे देखो ये हो गया तुम्हारा r1 into r2। नाउ अब यहां पे पहले रियल पार्ट जमा करो, रियल पार्ट क्या है तुम्हारे पास cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sorry sin theta 2 real part, then imaginary part collect in one bracket, imaginary part kya hai sin theta 1 cos theta 2 ye pehle liya maine, aur plus cos theta 1 sin theta 2 actual hai, real real in bracket mein, imaginary imaginary ek bracket mein। तो अब यहाँ पे तुम देखेंगे ना, तो इसमें तुमको इसलिए ये समझ में नहीं आता कि ये जो है ना, ये तो है ना, ये जो दो है अनदर चॉपिस, ये जो दो है दिस वन एंड दिस वन, एक्चुअल दीज आर दिस फॉर्मूलेस जो कि तुमको मालूम नहीं है, इस वजह से तुमको समझ में नहीं आता कि ये आया कैसे डायरेक्ट। मैं अगर डायरेक्ट बोलता था तो तुम कंफ्यूज होते थे, तो ये फॉर्मूले क्या है मालूम है क्या, कि एक फॉर्मूला ऐसा है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होते हैं, इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड एंगल, जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसी में ये सब, तो पूरे कंसेप्ट तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और क्लियर होंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए बताता कि ये फॉर्मूला कैसा है। ये फॉर्मूला है cos of a plus b का, cos of a plus b मतलब क्या, तो फॉर्मूला उसका ये कंपाउंड एंगल का cos a cos b, ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, sin a sin b अपोजिट अपोजिट रहेगा,
कभी कॉस के बीच में माइनस आ गया तो फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, अपोजिट रहता है। ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है जो कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी के लिए खाली इसके लिए आया कैसा वो समझ लो। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, ए बी की जगह सिर्फ थीटा वन थीटा टू है, तो क्या हम इसमें से लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो एक्चुअल ये जो फॉर्मूला है cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 ये एक्चुअल क्या है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। इसी को ये अगर से दिख रहा होगा तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा cos of theta 1 plus theta 2 राइट है, cos a cos b minus sin a sin b। सो इट गिव्स द फार्मूला cos a plus b, a की जगह theta 1 b की जगह theta 2 इज देयर राइट। चलो आगे, अब अगर समय आगे जाऊंगा तो यहां पे भी वही मिलेगा सेम प्लस आई टाइम्स। अब ये फॉर्मूला देखो दोनों में याद रखने के लिए सिंपल है, कॉस के फॉर्मूले में दोनों जगह कॉस दोनों जगह साइन, तो साइन के फॉर्मूले में क्या उल्टा साइन कॉस कॉस साइन, मतलब साइन में दोनों रहता और कॉस में क्या कॉस एक जगह साइन एक जगह। देखो साइन का फॉर्मूला देखो, अब नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला रहता साइन ए पहले का साइन दूसरे का कॉस, यहां प्लस है तो प्लस ठीक है, पहले का कॉस और दूसरे का साइन, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल। क्या है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्मूला हियर साइन ए पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस फिर पहले का कॉस दूसरे का साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसी प्रकार से साइन थीटा वन ए बी ए की जगह थीटा वन बी की जगह थीटा टू प्लस ए की जगह थीटा वन बी की जगह थीटा टू, मतलब कि तुम्हारा फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू रिप्लेस पहले का साइन दूसरे का कॉस, बीच में प्लस है तो प्लस ठीक है, पहले का कॉस दूसरे का साइन, तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो इन सब पे देखिए भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी या फिर साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस, इसे देखिए कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। और ये किसी को देख रहा होगा तो ये तुम्हारा हो गया आर वन आर टू कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई टाइम साइन ऑफ थीटा, इट इज नथिंग बट सिस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। So it is the value of Z1 into Z2. दो पोलर पंप का मल्टीप्लिकेशन अगर से लेंगे ना अपन Z1 into Z2, तो इसका प्रूफ बताया मैंने कि आया ऐसा R1 R2 sis of theta 1 plus theta 2, कौन सा फॉर्मूला होगा कंपाउंड एंगल का, ये हो गया फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b, तो cos of a plus b, a मतलब theta 1 b मतलब theta 2, ये फॉर्मूला हो गया sin a cos b plus cos a sin b, it is nothing but sin of a plus b, a means theta 1 b means theta 2, very simple ठीक है। अब similarly किसी को अगर से प्रूव करने का है z1 z2 इतना आया तो खाली किसी को दो पोलर फॉर्म का डिवीजन अगर से देखने का है तो similarly we can say that here similarly z1 by z2 का अगर से तुमको कॉम्बो देखना है तो z1 by z2 का तुमको क्या मिलेगा r1 r2 sis, sis मतलब cos plus sin, तो यहाँ पे theta 1 plus theta 2 है तो खाली difference क्या है यहाँ पे theta 1 minus theta 2, you can derive, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसको derive कर सकते हैं। 100% formula क्या आएगा, दो polar form का division ये हमेशा r1 into r2 sis theta 1 minus theta 2 देगा। I hope you got that one, ये दो important concept ये नहीं important कंसेप्ट इसके बाद है, इनका यूज कैसा है वो देखो अभी ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे एक एक बिट ले रहा है अपन सीबीएसई के साथ एक एक बिट। तो इन शॉर्ट अपने ये समझ में आ गया कि z1 z2 मतलब r1 r2 sis of theta 1 plus theta 2 और z1 into z2 sorry z1 by z2 is equal to R1 R2 sis theta 1 minus theta 2.
ये दो फॉर्मूले अपने पास आ गए। अब किसी को अगर से ये मालूम होगा, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से, इफ वंस नो, अगर किसी को मालूम होगा कि ये अपन एक ट्रायंगल इनफिनिटी में लिखने वाला है, इसका एक्सपांशन इसका मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, किसी को याद है क्या? ये है मॉड जेड वन का स्क्वायर मॉड जेड टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स आर ई ऑफ जेड वन जेड टू बार। चलो ऐसा देखा, ठीक है, इट इज एक्सपांशन ऑफ दैट वन। मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर कोई देखेगा तो क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार। कंसेप्ट एकदम आईनी की वजह से क्लियर होगा आपने, है ना, रटने का नहीं है। तो अपन ने इसका प्रूफ बताया था ये आया कैसा, मगर इसमें ये है ना, ये जो टर्म है ना एक्चुअल, इसके बारे में और अपने को थोड़ा जानना पड़ेगा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो क्या लिखेंगे अपन, इसका मीनिंग अपन जान लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन टू टाइम्स आर ई ऑफ जेड वन जेड टू बार, इसका मीनिंग क्या है। तो जो ताजुक सी बात है ना कि जेड वन जेड टू है और डायरेक्ट यहाँ पे जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट आ जा रहा, कॉन्जुगेट एक्चुअल बीच में आया कहां से, तो ये अपने को यहाँ पे देखने का है। तो इसका मीनिंग अपन डिराइव करेंगे और इसके मीनिंग पे कुछ क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे कि अभी अपन ने निकाले जेड वन जेड टू निकाले, ठीक है, तो मेरे को इसमें पहले पूछ लो बोलो जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट क्या, जेड वन डॉट जेड टू बार का कॉन्जुगेट का दोनों का फॉर्मूला इसके हिसाब से बोलो तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड टू बार सिस ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा वन, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट होने की वजह से जेड टू का कॉन्जुगेट होने की वजह से थीटा वन माइनस क्या आएगा थीटा टू, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे, राइट है। सो इट इज नथिंग बट या फिर डायरेक्ट इसको रखो फिर इसमें लिखेंगे अपन, ठीक है, पहले फॉर्मूला रखो जेड वन जेड टू का फॉर्मूला आर वन डॉट आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट होने की वजह से ये क्या हो गया आर वन आर टू सिस ऑफ थीटा वन और कॉन्जुगेट होने की वजह से माइनस थीटा टू इज देयर, है ना, ये अगर से जेड टू रहता था तो डायरेक्ट थीटा वन प्लस थीटा टू इज देयर, बट हियर इट इज अ कॉन्जुगेट, सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्जुगेट इट बिकम द माइनस साइन। नाउ आर वन मतलब जेड वन का मॉड्यूलस, आर टू मतलब जेड टू का मॉड्यूलस, जेड टू बार का मॉड्यूलस, और सिस ये सबको मालूम है थीटा वन माइनस थीटा टू मतलब क्या, थीटा वन माइनस सिस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू मतलब क्या, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, ये एक्चुअली तुम्हारा जेड वन डॉट जेड टू बार। अब इसका मैंने पूछा कि इसका रियल कितना है, रियल ऑफ जेड वन बार जेड टू बार, तो इसका रियल पार्ट इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे में से खाली रियल पार्ट लेने का है, तो रियल पार्ट मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट क्या रहेगा जीरो, वी कंसिडर ओनली रियल पार्ट ऑफ दैट वन। तो रियल पार्ट अगर से कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन मॉड्यूलस ऑफ जेड टू बार एंड देन कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू इज देयर, ये आ गया उसका ओनली रियल पार्ट ऑफ दैट वन जेड वन इंटू जेड टू बार का, है ना, जेड वन डॉट जेड टू बार का रियल पार्ट आ गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन मॉड्यूलस ऑफ जेड टू बार कॉस ऑफ, एक बात याद रखो मॉड्यूलस में खास बात है, तुमको कल भी बताया था मैंने कि मॉड्यूलस ऑफ जेड वन और मॉड्यूलस ऑफ जेड टू बार इज नथिंग बट इट इज अ जेड टू इज देयर, बहुत बार बार बता रहा, देखो ना कितने बार बताया मैंने एग्जाम्पल कि वन प्लस थ्री आई का मॉड कितना आता बोलो, एक प्लस नौ मतलब इतना रूट टेन, और वही अगर से मैंने जेड वन का बार गया समझो जेड का बार गया समझो तो जेड का बार में कितना आएगा वन प्लस नौ मतलब कितना रूट टेन, तो ये हम जेड टू बार का जो मॉड्यूलस है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट ओनली जेड टू इज देयर, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, तो रियल टाइम्स ऑफ जेड वन डॉट जेड टू बार मतलब
मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, मतलब ये इसमें से खाली हम क्या पकड़ेंगे इसका रियल पार्ट, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये अगर से अपन ये फॉर्मूले में रख दिए तो एक्चुअल फॉर्मूला तुम्हारा ऐसा हो जाएगा. नाउ इफ यू गिव दिस इंफॉर्मेशन इन दैट फॉर्मूला सो इट बिकम्स हियर, ये आपको क्या देगा, तो एक्चुअल फॉर्मूला प्लस टू टाइम्स रियल ऑफ जेड वन डॉट जेड टू बार की वैल्यू कितना है, टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू एंड देन कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, ये एक्चुअल इसका फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, इतना जो इतिहास बताया मैंने सिर्फ ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला में तुम तो बोल सकता था, मगर तुम ये मुझे क्वेश्चन पूछते थे कि ये क्या है सर, ये आया कैसे डायरेक्ट, तो इसलिए पूरा इतिहास से लेके आया अपन ने कि ये फॉर्मूला ऐसा आया. अब इस पर तुमको अगर से मैं कंडीशन दूंगा क्वेश्चन